गोवा क्रिकेट स्टेडियम की क्या शान बान है, बहुत ही उम्दा और दिलकश नजारा यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ है इंडियन ओशन, दूसरी तरफ है डच फोर्ट, और यहाँ पे बोट्स और मछली यहाँ पे बेचते हैं लोग रोड साइड के ऊपर। सो उसके साथ साथ अगर क्रिकेट का ग्राउंड भी हो और क्रिकेट दिलकश हो और लाजवाब हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो जवाब नहीं है। ये तो गोवा क्रिकेट स्टेडियम की थोड़ी सी बात कर ली, अब चलते हैं मैच की तरफ। देखिए, ये पाकिस्तान को स्लाइट एज मिल गई, वो आखिरी ओवर में जो विकेट मिली है उससे मामला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है श्रीलंका का, बट ओवरऑल फाइट बैक उनकी बहुत अच्छी थी, इसलिए कि जब चार विकेट 60 रन पे गिर गई थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद 200 सवा 200 में इनिंग्स खत्म हो जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। और धनंजय और एंजेलो मैथ्यूज ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, दोनों के पास एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है, टेम्परमेंटली स्ट्रांग है, और देखने भी मिला क्योंकि वेटिंग गेम खेले वो, और तब तक खेले जब तक के खतरा टल नहीं गया, और बहुत ही अच्छी दोनों की ये पार्टनरशिप थी। पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी फाइट बैक की पहले सेशन में, इसलिए कि नए बॉल के ऊपर विकेटें गिरना एक बहुत बड़ा मार्का था, क्योंकि ये विकेट टेलर मेड है स्पिन बॉलिंग के लिए, मगर कंडीशंस को सामने रखते हुए नसीम और शाहीन आफरीदी दोनों ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग स्पेल किए, खासतौर पर शाहीन आफरीदी लंबे कद के हैं, इनकी लेंथ और तरह से है कम्पेयर टू नसीम शाह छोटे कद के हैं कम्पेयर टू शाहीन, और वो स्किड करते हैं सरफेस से गेंद, सो बल्लेबाजों को प्रॉब्लम रहती है अगर ऐसा ओपनिंग बॉलिंग पेयर हो कि गेंद आगे खेले पीछे खेले, एडजस्ट करना पड़ता है थ्रू आउट, जिसकी वजह से ये पेयर उतना ही ज़बरदस्त बन सकता है जितना कि बाबर और रिजवान का ओपनिंग पेयर है वाइट बॉल क्रिकेट में। पाकिस्तान के पास देखें अभी विकेटें लेने की कहानी बची है, मगर मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह से जज्बे के साथ ये खेलते रहे, और बाय द वे कैचिंग आउटस्टैंडिंग थी, स्लिप कॉर्डन में जबरदस्त कैचेस किए, और ये जो लास्ट कैच शॉर्ट लेग पे इमामुल हक ने किया ये भी बहुत ही अच्छा था, इसे पता ये चलता है कि फिट है टीम, क्योंकि अगर 6:15 बजे आपके पास ऐसा फील्डर हो शॉर्ट लेग पे जो ऐसी हवा में छलांग लगा के कैच कर दे तो इससे क्या पता चलता है, तो फिटनेस अच्छी है, दूसरी स्पिरिट अच्छी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बाबर आजम एंड कंपनी एक टेस्ट मैच जीतना चाहती है। पिछले 10 साल में गोवा में कोई मैच ड्रॉ नहीं हुआ, तो रिजल्ट हमें मिलेगा चाहे बारिश होती रहे या ना होती रहे, मगर ओवरऑल पाकिस्तान को अब स्लाइट एज है इस टेस्ट मैच में।